फ्रेंड्स, जब जब आप पेट्रोल की बढ़ती कीमत के बारे में सोचते हैं तो आपको भी लगता होगा क्यों ना मैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लूं। पर जब आप इस तरह के एक्सीडेंट के बारे में देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, अपनी जान की कीमत पर तो नहीं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पीछे खड़ी है आप देख सकते हैं, ये 3 साल हो चुके हैं, ये 3 साल का जो है अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस उस समय मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करूंगा जो प्रॉब्लम्स है ई व्हीकल के साथ में उससे स्टार्ट करूंगा और उनकी जो सोल्यूशन है उस पर मैं भी बताऊंगा। रेंज यानी कि एक फुल चार्ज में ये कितना दूर ट्रेवल करता है, जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि ये 60 से 65 किलोमीटर एक फुल चार्ज में जाता है। अभी ये फुल चार्ज है और अभी हम देखेंगे कि ये कितना दूर तक जाता है। ये इसने टोटल 12,407 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है अभी तक और बैटरी पूरी फुल है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी देखते हैं कि एक फुल चार्ज में कितना दूर तक ट्रेवल कर सकता है। 39 का स्पीड दिखा रहा है गाइस और अब ये 40 का स्पीड पकड़ लिया इसने। तो जब मैंने पहले वीडियो बनाया था तो तब भी ये 40 का स्पीड पकड़ रहा था, तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो गाइस, मैं भी आ चुका हूँ हाईवे पे और जो गाड़ी है वो भी चालू है। रेंज एक लिमिटेशन है जिसके कारण आप ईवी में लंबा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकते। गाइस, रेंज एंजाइटी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि इस तरह की जो पेट्रोल पंप है वैसे ही चार्जिंग स्टेशन हर 10 से 15 किलोमीटर बने तभी कुछ सोल्यूशन हो सकता है। गाइस, ताइवान की एक कंपनी है गो गोरो, उसने जो है बैटरी स्वैपिंग का एक ऑप्शन निकाला है वो मुझे अच्छा लगा। उसमें क्या होता है, आपको गाड़ी के साथ में बैटरी नहीं खरीदना है, आपको बिना बैटरी की गाड़ी मिलेगी और उसमें क्या होगा, आपको जैसे भी बैटरी खत्म होती है दूसरी बैटरी ले लेनी है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जैसे आप मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं OTT का या केबल का, वैसे ही आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा बैटरी का। फ्रेंड्स, गोगोरो का कॉन्सेप्ट अच्छा है और इस कॉन्सेप्ट के सहारे हम बैटरी की अदला बदली कर लंबी दूरी तक ट्रैवल भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा देश बड़ा है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और इसके लिए हमें पूरे देश भर में चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी स्टेशनों का जाल बिछाना होगा, जो कि एक महंगा विकल्प मालूम पड़ता है। तो गाइस, अभी माथिनी का टोल गेट आने वाला है और ये दिखा रहा है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। फ्रेंड्स, अभी भी जो स्पीड है वो 35-36 दिखा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा इफिशेंसी बता रहा है बैटरी का। और ये है माथनी का टोल गेट। तो आप देख सकते हैं पूरे 26 किलोमीटर हो चुके हैं, मैंने 25 की बात की थी लेकिन ये 26 हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम वापस जा रहे हैं। तो गाइस, अभी तक इस स्कूटी को मैंने एक चार्ज के बाद, फुल चार्ज के बाद 50 किलोमीटर चला लिया है और 10 से 15 किलोमीटर चलाना है और अभी भी 2 डंडी बाकी है, ग्रीन डंडी, यानी कि बैटरी में अभी भी बहुत जान है। और जो मौसम है काफ़ी बहुत ही बढ़िया है। तो गाइज, हम जहाँ से निकले थे वहीं पे वापस आ चुके हैं और हमारा जो रन है वो 60 किलोमीटर हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, कन्वेंशनल पेट्रोलियम गाड़ियों से हटकर हमें इन इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ही सावधानी के साथ और बहुत ही कम पानी से वॉश करना चाहिए ताकि इसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट का खतरा ना बन सके और हमारी सेफ्टी जो है बनी रहे, और हमें इनके रखरखाव का भी खास ख्याल रखना चाहिए। इनके टायरों में जो एयर प्रेशर है वो प्रॉपर होना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। चाहे धूप हो या बारिश, हमेशा कोशिश करें कि आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल
शेड में और वेंटिलेटेड रह सके। जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करे हमेशा ध्यान रखे कि कोई भी कॉन्टैक्ट लूज ना हो सके, वरना शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है। समय के साथ में चार्जिंग के समय में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप आपकी बिजली की खपत बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, अभी हम जो देखने वाले हैं वो है बहुत से लिथियम आयन सेलों से बना लिथियम आयन बैटरी पैक, जिसकी कीमत इस गाड़ी की कीमत का 40-50% तक होती है। और इसकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी इसमें से ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है या गर्म हो जाता है। गाइस, मेंटेनेंस के नाम पर मैंने 3 चीज़ चेंज की है। पहला तो ये हैंगर टूट गया था, उसको चेंज किया। ये MCV स्विच बदला है होगी। और तीसरा, ये जो टायर है उसको चेंज किया मैंने। तो बस ये 3 चीज़ें चेंज की है, इतना ही कॉस्ट आया है मुझे इन 3 सालों में। तो फ्रेंड्स, अभी देख सकते हैं आप, काफ़ी अंधेरा है इस एरिए में। अभी हम इसका जो है हेडलाइट स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी सफिशेंट अमाउंट ऑफ लाइट जो है ये दे रहा है 3 साल बाद भी। यानी कि इसका जो बैटरी एफिशिएंसी है और इसकी लाइट की जो कंडीशन है काफ़ी अच्छी है। फ्रेंड्स, ये है वो ऑटो एजेंसी जहाँ से मैंने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी ली है। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर और कौन कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटी है। और कभी भी आप इलेक्ट्रिक स्कूटी लेते हैं तो ज़रूरी है कि एक रिलायबल ऑटो एजेंसी से ही आप इलेक्ट्रिक स्कूटी लें, क्योंकि वही आपको जो सर्विसिंग प्रोवाइड करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटी सिर्फ बिजनेस से काम नहीं चलेगा, उसकी सर्विसिंग भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये है सेलेकर ऑटो एजेंसी जो कि है भंडारा में। और यहीं से मैंने अपना जो इलेक्ट्रिक स्कूटी लिया है, आज मैं आया हूँ यहाँ पर अपनी गाड़ी की थोड़ी सर्विसिंग करानी है इसके लिए। और आप देख सकते हैं इनके पास बहुत से वैरायटी के इलेक्ट्रिक स्कूटी है, हर एक का रेंज अलग है और हर एक की कॉस्ट भी अलग है। और मेन है यहाँ की सर्विसिंग। एक इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के बाद किस बात पे ध्यान देना चाहिए सबसे ज़्यादा? मेन तो है सर्विस पे। सर्विसिंग है ना, बस सर्विस अच्छी है। लिथियम आयन लेड एसिड रिक्वायरमेंट के ऊपर है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट जैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपका जैसे चलाना कम होगा हाँ, तो उस पर ही डिपेंड करता है पहली बात। अच्छा, चलाना ज़्यादा होगा आपका तो फिर लिथियम आपको अच्छा होता है लिथियम हाँ। और चलाना कम रहेगा तो फिर लेड एसिड। अच्छा, ओवर चार्ज करो तो प्रॉब्लम आता है। फिर भी एक जो लिथियम आयन की उसकी कितनी लाइफ होती है? लिथियम आयन की प्रॉब्लम होती है जैसे NMC बैटरी है तो उसकी 4 साल लाइफ 4 साल के बाद वो फिर एवरेज छोड़ेगी। एवरेज छोड़ेगी। और जैसे LFP है तो वो 5 साल का। अच्छा, लीड एसिड की 2 साल 2.5 साल लोग रहती है लाइफ हाँ, उसके बाद वो बैठ जाती है फिर बेस्ट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इलेक्ट्रिक स्कूटी के संबंध में इनका जो कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियर है कि अगर आपका ड्राइव कम है तो आप लेड एसिड लीजिए, वरना लिथियम आयन बेस्ट ऑप्शन है। वारंटी पीरियड जो कि 2 साल का था, उसके ख़त्म होने के बाद ये मेरा पहला पेड सर्विसिंग है। अगर आपको अधिक समय का वारंटी पीरियड मिले तो ले लीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो हमारे डीलर है उन्होंने बहुत अच्छा सर्विस दिया। उन्होंने टेलीफोनिकली भी हमें सर्विस किया था कि नहीं ब्रेक का प्रॉब्लम हो सकता है, और यहाँ भी आके उन्होंने बहुत अच्छे से इसको काम को अंजाम दिया है, बहुत सही काम किया है। और हमें कभी भी हम इलेक्ट्रिक स्कूटी लेते हैं तो ज़रूरी है सर्विसिंग। स्कूटी तो कोई भी बेच देता है लेकिन सर्विसिंग देना बहुत ज़रूरी बात है। और यहाँ से हमें प्रॉपर सर्विसिंग मिलता है। 3 साल में मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बार ही प्रॉब्लम पता चला, लेकिन मुझे सर्विसिंग बराबर मिली यहाँ से। कभी भी आप इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं तो ज़रूरी है कि अच्छे डीलर से खरीदें जो आपको प्रॉपर सर्विसिंग दे सके। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।